प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं अब पॉजिटिव मरीजों के लिए आगे आ रही है। सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान ने भी ऐसी ही एक पहल की है और कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। इस शानदार परिसर में वैसे तो 800 बेड हैं, पहले चरण में 500 बेड शुरू किए गए हैं और मरीजों को शुद्ध और सात्विक भोजन नाश्ते की व्यवस्था भी ब्रह्म कुमारी संस्था कर रहा है। आपको बता दें कि सेंटर में 4 चिकित्सकों सहित 16 पैरामेडिकल स्टाफ पूरे मरीजों का उपचार करने में जुटे हुए हैं और ऑक्सीजन तथा दवाइयों का सारा खर्च भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस कोविड सेंटर में 50 मरीज ऑक्सीजन पर और 24 नॉर्मल स्टेज में हैं। साथ ही 7 लोगों को यहां से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। पूरे जिले में और विशेष रूप में अबू रोड में बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता रहती है और बहुत सारी संख्या में ऐसे भी मरीज हैं जो बिना ऑक्सीजन के हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्म दर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक है उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाई बहने मिल करके पूरा निर्णय करके उसको दिया है और मैं समझता हूँ सारे राजस्थान में इतना बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई मिला नहीं होगा। इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थित बिल्डिंग, उधर हर कमरे में कम से कम 4 बेड तो ही है और लोग तो 4 के बजाय 3 भी रख सो, 2 भी रखो, जितना उनकी पेशेंट की स्थिति को देख करके उस अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईश्वरी विश्वविद्यालय इन सबको खान पान का भी व्यवस्था कर रहा है, जितने भी बेड होगा, जितने भी हॉस्पिटल की कर्मचारी होगी और पेशेंट हो गए उन सब के लिए ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा खान पान का भी जवाबदारी लिया।